आज यहाँ पढ़ना है 10th क्लास की मैथ, और 10th क्लास के आज यहाँ मैथ पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आज यहाँ पढ़ना है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आज इसका प्रश्न पढ़ना है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का डाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है। इसमें दो ऑप्शन दिया, फर्स्ट में लिख रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, और इसका सेकंड में लिख रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता। इसमें दो है, ए एंड बी। ए में यहाँ पे दे दिया है कि एक इक्का है और बी में यहाँ पे दे दिया है कि एक बेगम है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे ईट का, यानी ईट का ही सारा कुछ है, इसके इसे यहाँ पे तो लिखाएगा यहाँ पे टोटल कार्ड। टोटल कार्ड यहाँ पे कितना हो गया, 5, यानी पर टोटल कार्ड यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल कार्ड हो रहा है यहाँ पे 5 को। यहाँ इसमें क्या ज्ञात कर देना है कि इसमें एक बेगम की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसमें देखना है कि इसमें कितना है, तो इसमें सब पत्ता में सिर्फ यहाँ पे एक ही बेगम है जो कि यहाँ पे एक है, यानी 5 पत्ते में सिर्फ एक ही बेगम है। तो इसका प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किन्नी ए क्यून। तो यहाँ पर कितना एक क्यून है और टोटल पत्ता यहाँ 5 है, यानी लिखा है यहाँ पर 1/5। ये हो गया यहाँ फर्स्ट का। अब सेकंड इसको देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे सेकंड में, यहाँ पे लिख रहा है कि एक बेगम निकल आती है, यानी इसमें क्या करना है, एक बेगम निकल आती है। तो इसके बाद टोटल कार्ड इसमें कितना कार्ड बच गया, 4 कार्ड बचे इसमें, तो लिखेंगे इसमें यहाँ पे 4 कार्ड। अब इसमें बोल रहा है कि एक यहाँ पर ज्ञात करना है, कौन सा, इक्का। कितना इक्का है, इसमें एक इक्का है, यही ना, इसमें इक्का है, इसमें इक्का, इसमें ये हो जाएगा, ये वाला इक्का हो गया। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, लिखा जाएगा यहाँ पे ए में, इक्का सिर्फ एक है तो इसमें लिखा जाएगा 1/4। और सेकंड इसमें बी में दिया है, एक और दिया है बी में, तो इसमें बी में लिख रहा है कि इसका बी नंबर प्रश्न, बी में यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पे कि एक क्यून, कोई क्यून नहीं है यहाँ पे, इसमें क्यून यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रायिकता ऑफ अ क्यून इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0/4, यानी 4 में यहाँ पे 0 क्यून है, यानी इसको कट कर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे एक ये हो गया आंसर, और एक आंसर यहाँ पे ये हो गया। इट इज